देखिए वो शानदार पल जो आज से 1.5 साल पहले मैंने दिखाया था इसी बच्चे के लिए, ऋषिकेश जो टाटी सरिया का रहने वाला है, और 1.5 साल में उसके लिए सब कुछ बदल गया। और देखिए उसके जितने भी साथी हैं और यहाँ गांव वाले जो है टाटी सरिया के, वो सारे लोग इस बच्चे के लिए ताली बजा रहे हैं। हम आपको बता दें, इसकी वीडियो मैंने आज से 1.5 साल पहले की थी, 2022 फरवरी में की थी, और मुझे नहीं पता था कि ये किस तरीके से आगे जाएगा, लेकिन मुझे ये पता था कि इसके पास जुनून है, हिम्मत है और ना हार मानने की जिद है। लगातार तालियों की जो आवाज आ रही है, ये इसलिए आ रही है कि ना हार मानने की जो जिद है ऋषिकेश में, उस बल पर इस बच्चे ने, आपको हम बता दें, झारखंड टीम में जगह बना ली है। और झारखंड टीम में ही जगह नहीं बनाई, ये कुछ दिन के बाद, आपको हम बता दें, ये जाने वाला है राजस्थान, जाएगा वहां उदयपुर में नेशनल कप खेलेगा, नेशनल टी ट्वेंटी खेलेगा, जहां देश की 24 टीमें, मतलब 24 राज्यों से टीमें वहां पहुंचेगी। और उम्मीद इस बात की है जिस तरीके से ऋषिकेश खेल रहा है, और देखिए एक पैर ऋषिकेश का नहीं है, अभी जाकर ये बॉलिंग करने वाला है। हम आपको दिखाने वाले हैं कि ऋषिकेश किस तरीके से क्रिकेट खेलता है। आइए ग्राउंड पर आइए, ये देखिए ये शानदार तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां ऋषिकेश आपको नजर आ रहा है, एक वही लड़का जो हौसले और अपने जिद के बल पर पूरी दुनिया को बदलने का ताकत रखता है, वो तमाम लोगों के लिए उदाहरण है जो घर में बैठकर अफसोस जताते हैं। ऋषिकेश को देखिए, आप चलने लगेंगे, आप दौड़ने लगेंगे। एक छोटे से गांव का लड़का है और किस तरीके से अपने जीत के बल पर, इसके परिवार के बारे में बताएं, साथ में माँ भी थी, पिताजी भी थे, हम उनसे भी बात करेंगे। गरीब परिवार का बच्चा है, लेकिन इसने कभी भी हौसला नहीं हारा, कभी भी उम्मीद नहीं हारी, कभी भी जो इसकी जिद थी उस जिद को कम नहीं होने दिया, क्योंकि इसे क्रिकेट खेलना था। आपको बता दें, हम इससे बात करेंगे, इसके अंदर जो सपने पल रहे हैं उसको लेकर हम वो कहानी सुनाएंगे आपको जो 1.5 साल पहले हमने कहानी सुनाई थी। ये प्रॉपर क्रिकेटर है, मर्सी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने टैलेंट के बल पर क्रिकेट खेल रहा है। देखिए इस लड़के का एक पैर नहीं है और ये 100% डिसेबल में आता है, एक पैर बिल्कुल भी नहीं है, बचपन से ही इसका पैर नहीं है, आप ये देखिए, लेकिन एक पैर पर ही वो तमाम काम कर रहा है और गजब की ये गेंदबाजी करता है, गजब की बल्लेबाजी करता है। बेन स्टोक इसके आइडियल प्लेयर है, ये आप देखिए गेंदबाजी करते हुए। ये आप देख रहे हैं ऋषिकेश को, शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और तालियां बज रही है ऋषिकेश के लिए। यहाँ पर मैच चालू है और ऋषिकेश यहीं पर पला बढ़ा है, इसकी कहानी बहुत जबरदस्त है। क्रिकेट का एक बार जो जुनून इसके अंदर सवार हुआ, इसने दुनिया बदल देने की सोची। रांची में ये प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत सारे लोग इसके लिए मदद कर रहे हैं, उनकी भी हम बात करेंगे। ये आप देख रहे हैं प्रॉपर तरीके से ये गेंदबाजी करते हुए एक पैर के बल पर, लेदर बॉल क्रिकेट, ड्यूस बॉल क्रिकेट ऋषिकेश खेलता हुआ। पीछे से एक बार पीछे से दिखा प्रॉपर। हाँ और आपको हम बता दें, ऋषिकेश जो है ना नॉर्मल बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता है और कभी भी इस चीज को इसका मलाल नहीं रहा या फिर कभी इसको कमी नहीं लगी, अपने एफर्ट से क्रिकेट खेलता है और अपने एफर्ट के बल पर ही। मात्र इसकी उम्र अभी 18 साल है और ये दिव्यांग जो झारखंड की क्रिकेट टीम है उसमें आ गया है। और आपको बता दें 2024 में वर्ल्ड कप होना है दिव्यांग क्रिकेट की, तो हो सकता है कि अगर इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो ये, और इसने विकेट निकाल लिया है, ये देखिए। देखिए हम बात भी करेंगे ऋषिकेश से, शानदार ये लड़का, ये बच्चा जो कि उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, प्रेरित कर रहा है तमाम लोगों को, जबरदस्त क्रिकेट खेलता है और इस बल पर ही दुनिया बदलने की ताकत रखता है। जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी आज से 1.5 साल पहले, फरवरी का महीना था जब ये अंडर 19 के ट्रायल के लिए हजारीबाग पहुंचा था और हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल चल रही थी। और देखिए कहीं से भी लगता नहीं है ना ऋषिकेश को देखकर कि बच्चे का एक पैर नहीं है, फील्डिंग करना हो, बॉलिंग करना हो, हम बैटिंग भी इसकी दिखाएंगे आपको। झारखंड के लिए खेल रहा है आज से 1.5 साल पहले,
इसके लिए बहुत कुछ करने के लिए नहीं था, ये सिर्फ खड़ा था और उम्मीद और जिद थी इसकी कि हम आगे जाएंगे, आगे खेलेंगे। अभी हम ऋषिकेश से बात करेंगे। ऋषिकेश, सबसे पहले तो तुमको बहुत बहुत बधाई। इधर से आ जाइए, किधर किधर ले लें, किधर इस साइड आ जाए, आप लोग आ जाइए पीछे, आ जाइए ऋषिकेश के पीछे आ जाइए ना, और लोगों से भी बात करेंगे। कैसे शुरू करें ऋषिकेश, कहाँ से शुरू करें? सर कहानी वही जो 1.5 साल पहले से शुरू हुई थी, जो छोड़कर हम गए थे, उसके बाद चीजें बदल गई। बिल्कुल सर, बहुत खुश हो अब? हाँ सर, पूरे लोग, पूरे गांव वाले आए हैं। आप आइए, आप पिताजी है ना, आप साथ में आइए, माताजी साथ में। पिता भी बहुत नॉर्मल काम करते हैं, आपको बताते हैं, पिताजी जो है पूरे दुकान में घूमकर प्लास्टिक बेचने का काम, अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं। और लड़के के लिए देखिए जो कठिनाइयां होंगी कितनी होंगी, लेकिन इसके अंदर जो दिल में जो अंदर में जो बसा था तूफान था, जो जिद थी क्रिकेट खेलने की, वो बचपन से ही थी। और मेरी नजर इस पर पड़ गई थी और मैंने सिर्फ एक जरिया बनने की कोशिश की, वीडियो दिखाया था, लेकिन हिम्मत और हौसला सिर्फ इसी का था। वो बताओ तुम्हारी जर्नी, थोड़ी बताओ। सर सबसे पहले तो शुरुआत से ही करेंगे कि मतलब बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था, लेकिन गांव में तो क्रिकेट खेलने दिया नहीं जाता था। उसके बाद सर फिर मतलब नॉर्मल मैचेस हुआ करते थे, टूर्नामेंट ये सब, टेनिस वाले, तो उसमें मतलब मौका मिला था सर खेलने के लिए। उसके बाद वहां पे परफॉर्मेंस करके सर हमको गोपाल भैया मिले, आरजी क्रिकेट एकेडमी जो ये खोले थे उनके कोच, तो फिर यहाँ से सर हमने जर्नी स्टार्ट की थी। यहाँ प्रैक्टिस किया एक दो साल, उसके बाद सर अंडर 19 का डिस्ट्रिक्ट था जो मैं हजारीबाग देने गया था सर, उसके बाद वहाँ पे आप हमको मिले। उसके बाद तो सर मतलब फिर एक बार मिला, मौका मिला बोर्ड टीम में, लेकिन वहाँ उतना प्रैक्टिस किए नहीं थे तो उतना परफॉर्मेंस हुआ नहीं सर। उसके बाद फिर सर हम मतलब घर वालों को बोलकर, मतलब पापा से बोलकर रांची चले गए। रांची से 30 किलोमीटर दूर सर वहाँ पे रातू क्रिकेट क्लब है, तो वहाँ पे सर हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए। तो वहाँ पे बताएंगे सर कि सर वहाँ पे फी भी नहीं लेते। नाम बताइए उनका, उनको भी धन्यवाद करना है। नाम बताइए। सुजीत प्रजापति। सुजीत प्रजापति, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरीके से आप इस बच्चे की मदद कर रहे हैं ना, वो काबिले तारीफ है। शायद आज के वक्त में लोग मदद नहीं करना चाहते, लेकिन अगर आप मदद कर रहे हैं जिस तरीके से कर रहे हैं, यकीन मानिए रिटर्न मिलेगा। जिस तरीके से तुम क्रिकेट खेल रहे हो, जी सर, मिलेगा ना? बिल्कुल सर। हाँ, फिर वहाँ पर क्रिकेट सीखने लगे, क्रिकेट में बहुत बदलाव हुआ फिर? हाँ सर, वहाँ पे फिर बहुत मतलब गेम में चेंज हुआ। एक साल वहाँ पे प्रैक्टिस किए हम लोग, तो वहाँ प्रैक्टिस करने के बाद मतलब सारे नॉर्मल प्लेयर्स के साथ वहाँ के एकेडमी में मैचेस खेले। उसके बाद सर फिर ट्रायल हुआ इसी का, जो 5-6 दिन पहले मैं ट्रायल देने गया था सर, वहाँ रांची में हरमू यूथ में ट्रायल हो रहा था झारखंड डिजेबल क्रिकेट काउंसिल का, तो वहाँ पे जो सेक्रेटरी थे अफ्ताब आलम सर, तो सर वहाँ पे मेरा गेम सबको ही देखा। और उसके बाद फिर सर तो बड़े बड़े छक्के मारते हो यार। जी सर, छक्के भी मार लेते हो? हाँ आप सर, मतलब क्लियर कर लेते हो? हाँ सर। बेन स्टोक तुम्हारे फेवरेट? हाँ सर, मतलब ऑल टाइम फेवरेट तो बेन स्टोक्स है, बट इंडियन में सर जिस तरह रोहित शर्मा को एक्स्ट्रा टाइम मिलता है सर, तो मतलब उनको देख के मतलब बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर। तुमको भी चाहिए कि वही बैटिंग का क्लास आ जाए। हाँ वही सर, मतलब स्पिन इंस्पायर करते हैं। जी सर। क्या खेलने वाले हो अभी, जो तुम्हारा सिलेक्शन झारखंड के लिए हुआ है, लोगों को बताओ कि कहाँ जाने वाले हो? सर अभी तो ग्वालियर का टूर है, तो मेयर कप होगा। हाँ, तो 8 को हमारी टीम निकलेगी यहाँ रांची से। झारखंड को रिप्रेजेंट करोगे, खेलोगे झारखंड के लिए? जी सर। ठीक है, तो 8 तारीख को यहाँ से हम लोग निकलेंगे ग्वालियर के लिए। उसके बाद वहाँ पे 16 तारीख तक मैच चलेगा सर, मेयर कप। उसके बाद फिर सर कुछ दिनों के बाद वहाँ कैंप लगेगा। उसके बाद फिर सर मतलब 24 सितंबर या 25 सितंबर से हम लोग का थर्ड नेशनल टी20 कप होना है। हाँ, जो कि DCCI के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है सर, उसमें भी मुझे खेलने का। DCCI क्या होता है बता दो? डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया सर, जिसको BCCI किस बॉडी है, मतलब BCCI ने उनको मतलब BCCI मान्यता दे चुकी है। जी सर, दे चुकी है। तो मतलब तुम्हारे लिए मौका है कि राजस्थान में जाओगे तो 24 अलग अलग राज्यों से जो टीमें आएंगी खेलने के लिए, वहाँ अच्छा परफॉर्म करते हो तो सीधा इंडियन टीम में तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। जी सर। देखिए लड़का 1.5 साल में किस तरीके से मेहनत करके कहाँ तक बढ़ गया, ये आसान बात नहीं है। इसके पीछे मतलब एक लाइन में मैं कह देता हूँ कि भैया ये मेहनत कर रहा है, आप सोचिए कि कितनी जिद होगी। ये पिताजी भी हैं, माताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नॉर्मल परिवार से, गरीब परिवार से है, रांची बच्चे को भेजते हैं, वो वहां पर जाकर प्रैक्टिस करता है, गेम में सुधार होता है। इनके जो कोच हैं प्रजापति जी, वो फ्री में सब कुछ देते हैं, तो सारे लोग बधाई के पात्र हैं। पूरा तैयारी है जाकर अच्छा परफॉर्म करना है? जी सर,
बहुत वहाँ पे भी सर मतलब वहाँ पे गए थे तो सर मतलब किट विट मिला था वहाँ भैया लोग से, तो सर वो सब भी हो गया, बट मतलब अब वहाँ जाना है और फिर हम तुमसे बात करेंगे। माता जी, अच्छा हमको ये बताइए, जब बच्चा आपका जन्म लिया था, प्यार इसका बचपन से नहीं है, नहीं। बहुत तरीके की बातें होती होंगी, अभी आप देख रहे हैं चीजें बदल गया, ताली बजा रहा है सारा लोग आपके बेटे के लिए, क्या कहेंगे, कितना खुश है? बहुत खुश लगते हैं और बहुत खुशी होता है कि आज मेरा बच्चा इतना कर पा रहा है, वो अपना पैर के बारे कभी नहीं सोचा और आगे बढ़ के हिम्मत बढ़ाया और हिम्मत दिखाई, हिम्मत से काम लिया। बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। बचपन से आपको पता था कि क्रिकेट खेलना चाहता है? हाँ, वो बचपन से ही था, बहुत जगह मैच होता था, घर के बगल में खेलते थे तो ये देखने चला जाता था, और देखते देखते ही ये बोला नहीं हमको क्रिकेट खेलना है, हमको जाना है रांची। तो हम लोग का आर्थिक स्थिति तो वैसा नहीं था, मात्र इसको 3,000 रुपया देते थे और सरकार से 1,000 इसको मिलता था बस उसी में, और एकेडमी वाले जो थे वो फ्री का शिक्षा देते थे। तो थोड़ा सा चिंता नहीं होता है कि बच्चे को रांची भेजे हैं, दिक्कत है बच्चे को, डर लगता नहीं? थोड़ा डर तो लगता था सर पहले, लेकिन अब नहीं, इसका हिम्मत जो है, पहले हम लोग सोचते थे पता नहीं गाड़ी चलेगा ये होगा तो बैलेंस बना पाएगा कि नहीं, लेकिन वो चीज इसमें नहीं है, ये पूरे हिम्मत और ये के साथ आगे बढ़ते गया, तो हम लोग को भी सपोर्ट करना बनता था, सपोर्ट करना बनता था। अब बहुत खुश हैं, बहुत, सारा लोग जान गया बच्चा को। हाँ, जो पहले क्रिकेट खेलने नहीं देते थे या बात नहीं करते थे, अब ताली बजा रहे हैं इसके लिए। हाँ, इसमें भी बहुत खुशी हुई। क्या कहिएगा सर, पिताजी हैं आप, अंदर से तो बहुत सारी चीजें नहीं निकलती होंगी, लेकिन आज बोलिए। हाँ, क्या बोलिएगा? बोलिएगा कि हम एक छोटा किसान है, खेती की गृहस्थी देखते हैं, हम लोग तो बड़ा आदमी है नहीं, अपना इसी पर लगन में अपना खट कर रहे हैं। के लिए खुश हैं बहुत, बच्चा के लिए बहुत खुशी है कि आगे चल के यार आसमान छुए और इंडिया का जर्सी पहन ले, जर्सी पहन ले और अच्छा से खेले अपना देश के, और पूरा हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट का रोशन करे, झारखंड स्टेट का। क्रिकेट खेलते देखे हैं इसको? अभी तो देख रहे थे, इससे पहले देखे हैं? इसके पहले हम नहीं देखे, कभी कभार खेलता था तो देखते थे कि खेल रहा है ये अपना। देखते हैं, एक पैर से खेलते हुए देखते तो अंदर क्या, दिल में क्या लगता था? अब दुखित भी है वो मन में, लेकिन वही पैर उसका ताकत बन गया, ताकत बना दिया, और खुशी भी मन से, वही तो ताकत है ना, पैर उसी को तो ताकत बन गया, कमजोरी कहाँ बनने दिया उसको, कमजोरी तो नॉर्मल लोगों के साथ खेलता है, इसका दो पैर उसके साथ खेलता है और उसमें भी सबसे अच्छा खेलता है, अच्छा खेल रहा है सर, अब खेलते जाएगा, खेलते जाएगा। गर्व है बेटे पर? गर्व यही है कि अपना आगे चल के ये अपना कुछ कर सके और अपना दिखाए देश के कि आर्थिक रूप से दिक्कत होता है? कोई दिक्कत नहीं है सर, मतलब आगे ले जाना जैसे बाहर भेजना है, भेजने खातिर हम लोग तो सोचते हैं कि चले आगे बाहर जाए, देश का पूरा नाम होगा, पूरा देश के नाम होगा तो आगे चल के इसका, तो दुकान दुकान में अगरबत्ती बेचने का, अगरबत्तियों सप्लाई देते हैं, दुकानें दुकान सब यही बिजनेस छोटा मोटा करते हैं। अब क्या कहते हैं गाँव वाले लोग, क्या कहते हैं जो मिलते हैं, तो क्या कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि अब ये क्या धंधा करता है इस बिजनेस करने, तो हम जो मन लग गया है उसी बिजनेस पर हम अपना टिकल है कि धंधा छोड़ने से क्या होगा, आप इसी वजह से बैटिंग भी आपका दिखाएंगे लोगों को, बैटअप करिए, बाकी फील्ड में चले जाइए, बहुत खुश हैं आप लोग। आप सर क्या कहिएगा, आप चाचा सब बच्चों के लिए तो प्रेरणा स्रोत है, चाहते हैं हर बच्चा इससे सीखे, और इतना अच्छा जो खेल रहा है ये लड़का, आज गाँव गाँव से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और आज नेशनल टीम में पहुंचा है, तो खुशी इतना खुशी है कि मतलब जितना कल्पना करें कम लगता है कि हाँ। एक पैर जो मतलब ये देखिए बार बार एक पैर में बोल रहा हूँ ना, तो मर्सी करने की जरूरत नहीं है, ये अपने बल पर है, बिल्कुल ये अपने टैलेंट के ऊपर है और वो ताकत है उसकी, उसको ताकत है उसकी। कैसा क्रिकेट खेलता है जब देखते हैं तो क्या लगता है? लगता है कि जो बचपन में हम लोग खेलते थे उससे ज्यादा बेटर है ये, बहुत हम लोग तो सोचते हैं कि अब हम लोग इससे सीखें, समझे ना, हम लोग भी बचपन में बहुत खेले लेकिन इस तरह से हम लोग नहीं खेल पाते थे जो ये अभी खेल के दिखा रहा है, तो अच्छा लग रहा है। यहीं के हैं आप लोग, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सबसे पहले हम ऋषिकेश और यहाँ तमाम आरजे एकेडमी के कोच और यहाँ के पूरे बच्चे को हम पहले बधाई देते हैं, और आरजे एकेडमी के जितने भी बच्चे हैं, हम एक ऋषिकेश है जो प्रेरणा स्रोत बन जाएंगे, और उनके एक पैर से जो जिस तरह से अपने खेल को प्रतिभा दिखाए हैं, शायद यहाँ के पूरा एकेडमी को उनके एक जोश भरने के काम भी किए हैं, और सबसे पहले इनके माता पिता जिसने इस बच्चे को हमेशा हौसला को गिरने नहीं दिया, हमेशा एक ऊंची उड़ान का एक प्रतिभा जिस तरह भरते उस तरह से हमें भरने के काम किया, तो इन लोग बधाई के पात्र है, और स्पेशल बधाई के पात्र इनके चाचा सबको है जिसने हमेशा इनका प्रोत्साहित करते रहे, सपोर्ट करते रहा। क्या कहेंगे आप,
बहुत अच्छा लगता है उसको देख करके। एक जब हम फर्स्ट टाइम इस घर पे आए थे तो उसको देख के बहुत खराब लगा, पर हम उसको हमेशा यही बोलते थे कि हमेशा आगे पढ़ते रहो पढ़ते रहो, कभी इस पैर को लेके तुम कभी मत सोचना कि तुम पीछे रहोगे। हमारे घर में 4 बच्चे हैं, पर हम लोग कभी उसको नहीं बोलते कि तुम अपने आप को कम समझना, तुम जहां तक जाओगे हम तुमको लेके जाएंगे, चाहे जैसे भी हम लोग करें, पर उसको आगे जरूर बढ़ाएंगे। भावुक भरा पल है, आंसू आ गया। लोग ताना देते होंगे, ताना भी कसते होंगे। हाँ ताना तो बहुत, लेकिन हम लोग उसको कभी नहीं सुनने देते थे, कहते थे बस आगे बढ़ते रहोगे। क्या कहेंगे इसको देख के, उसको देख के बहुत खुशी होती है। ताना देने वाले का तो मुंह बंद हो गया होगा अभी। बच्चे की मेहनत है, जुनून है, जीत है। हाँ। सारी मेहनत तो उसी की है ना। हाँ। परिवार तो सपोर्ट किया है लेकिन मेहनत तो उसी की है। आप बहुत खुश हैं? हम बहुत खुश, दिल से बहुत खुश है। और आपका भी थैंक यू बोलना चाह रहे हैं क्योंकि आपके एक वीडियो ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। आपके एक वीडियो ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश यही है कि जहाँ भी ऐसा मौका मिलेगा हम दिखाएंगे लोगों को, चाहे जैसे भी बच्चे हो। बाकी ऋषिकेश की अपारी यार कोच है, उनसे भी बात करेंगे, उनका भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। कहाँ गए कोच साहब? वो कहाँ गया ऋषिकेश? आइए ऋषिकेश को हम लोग लेकर आएंगे वहां से। आप लोग यहाँ फील्ड में तैयारी कीजिए। देखिए ऋषिकेश पेडअप कर रहा है और इसमें जो एक और भूमिका निभाने वाले हैं गोपाल जी। गोपाल जी जबरदस्त इंसान है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि अगर क्रिकेट वो खेल रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं गोपाल जी का भी बहुत बड़ा हाथ है। और ये एक रिक्वेस्ट आपसे ये भी होगी ना कि अगर आप मदद करना चाहते हैं ऋषिकेश की, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका कोई पेटीएम नंबर वगैरह दे दे, क्योंकि आगे वो क्रिकेट खेल सके और पैसे की उसको दिक्कत ना हो, तो वहां पे आप मदद कर सकते हैं। गोपाल जी बताइए, आपकी भी भूमिका बहुत बड़ी है। हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे वो पैडअप की जो तैयारी कर रहा है हो गया रेडी। बताइए इस बच्चे के बारे में, बताइए स्पेशल टैलेंट के बारे में बताइए। ये बहुत अच्छा बैटिंग और बॉलिंग एक्सलेंट करता है। इसका बैटिंग जो है वो हिटिंग बहुत पावर है इसका, मतलब कि ये जब भी कोई शॉट खेलता है ये पावर जनरेट कहाँ से करता है एक पैर नहीं होने के बाद? ये छक्का का मार रहा है शरीर पूरा, मतलब ये बॉडी पूरा जनरेट उठा के जितना बॉडी का इतना ही यहाँ से पूरा ताकत लाता है। शरीर जो उसका हाथ यहाँ से पूरा ताकत ला के बॉल को पूरा बहता है। हाँ बहुत अच्छा से बेहतरीन। अच्छा हमको ये बताइए, आप छोटे से जगह में टाटी झरिया में क्रिकेट को लेके इतना अच्छा काम कर रहे हैं, कहाँ से जुनून कहाँ से आया? बस हम क्या बोले कि हम भी क्रिकेटर बनने का मेरा भी बहुत बड़ा सोच था, हम भी खेले बहुत आगे तक, बट किसी कारण से हमको खेल नहीं पाए, तो जिसके कारण हम सोचे नहीं हम नहीं खेल पाए हैं, तो हम अपने बच्चे जितने मेरे अभी सभी बच्चे को हम ट्रेनिंग देते हैं ना, सब तरह के बच्चे लोग को, तो हम सोचे कि नहीं हम जब नहीं खेल पाए तो हम बच्चे लोग को भी खिलाएंगे, तो हम अपने से ज्यादा दूर तक खिलाएंगे। और इसी तरह में सबको हमसे कनेक्ट हुआ, बच्चे लोग मिला हमसे, और फिर इसी तरह हमें स्टार्ट किया अपना। हम गांव में सोचे एकेडमी खोल देते हैं, बच्चे लोग को हम लगे रहेंगे, उसको आगे निखारेंगे, यही है। क्या लगता है ये इंडिया टीम के लिए खेलेगा? हमको तो लगता है भाई, हमको भी लगता है हा? हमको भी लगता है 100% खेलेगा। लगता है ना? लगता है, लगता क्या सबको दिख रहा है। और हमको लगता है खेलेगा तो बहुत अच्छा खेलेगा, ये बेहतरीन खेलेगा। सिर्फ खेलेगा नहीं, नाम रोशन करेगा, नाम रोशन पूरा सबका करेगा, गांव से लेकर अपना। आपके एकेडमी का नाम तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ बस आरजी क्रिकेट एकेडमी के जितने बच्चे हैं वो और भी बधाई के पात्र है। इसमें भी बहुत सारे खिलाड़ी लोग हैं जो बहुत अच्छे खेल रहे हैं, और उन लोग भी इसको देख के इंस्पायर होके और आगे लोग मेहनत भी करेगा। चलिए बच्चा तैयार, हम आपसे बात करेंगे। देखिए बच्चा तैयार हो गया, आइए ऋषिकेश चलिए बैटिंग। देखिए ऋषिकेश आ रहा है बैटिंग के लिए, तैयार हो गया। जैसे कि हम कोच से भी बात कर रहे थे, स्पेशल टैलेंट है ये लड़का, ऋषिकेश नाम है इसका, टाटी झरिया का रहने वाला है। और आपको बता दें बहुत जल्द ग्वालियर जाएगा खेलने के लिए, उसके बाद राजस्थान जाएगा। और उम्मीद आप ये जता सकते हैं कि जिस तरीके का ये क्रिकेट खेल रहा है ये इंडियन टीम में भी खेलेगा, जो विश्व कप होने वाला है डिसेबल जो क्रिकेटर है उनके लिए, दिव्यांगों के लिए, उसमें हो सकता है कि ये चमत्कार करे और पूरे झारखंड का नाम रोशन करे। देखिए एक पैर से ये बच्चा जो है अपने बैटिंग पिच पर जा रहा है, बैटिंग क्रीज पर जा रहा है। और आइडल ये बताता है कि बेन स्टोक हैं, जो कि विस्फोटक, जिसको आप कह सकते हैं कि विस्फोटक बल्लेबाज हैं, वर्ल्ड क्रिकेट के ऑलराउंडर हैं। थोड़ा इधर से हम लोग दिखाएंगे, यहां से दिखाएंगे। देखिए आपके आंखों के सामने वही क्रिकेटर, दिव्यांग क्रिकेटर, जो हौसले और उम्मीद के बल पर अपनी दुनिया बदलने के लिए तैयार है।
इस पल को संजो लीजिए, ये खास पल है। हजारीबाग के टाटी झरिया से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर ऋषिकेश बैटिंग पिच पर अपनी बैटिंग दिखाने के लिए तैयार है और बहुत मेहनत कर रहा है। रांची में जाकर ये ट्रेनिंग कर रहा है। इसके कोच है प्रजापति जी हैं, जो निशुल्क इसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और क्रिकेट में इसकी बहुत सुधार हुई है। झारखंड टीम में इसका सिलेक्शन हो चुका है और ये आप देखिए अभी बैटिंग पिच पर आपको नजर आ रहा है। आप वो सोचिए कि भाई एक पैर से जो बच्चा ये खेल रहा है, आप, मैं किसी पे ये सवाल नहीं उठा रहा हूं, लेकिन ये आप देखिए 100% डिसेबल में आता है। इसका एक पैर है ही नहीं, ये एक पैर पे खड़ा है, ये 100% डिसेबल में आता है। उसमें परसेंटेज की भी कैटेगरी होती है, लेकिन अगर आप इसी केस को देखेंगे तो ये बिल्कुल 100% में आता है। अब बल्लेबाजी करते हुए देख रहे हैं ऋषिकेश को और बहुत अच्छी बॉलिंग भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि बस खेलने के लिए खिलाड़ी, बहुत अच्छी जो भी बॉलिंग कर रहा है, अच्छी बॉलिंग कर रहा है, अच्छा कर रहा है, स्पिन बहुत अच्छा कर रहा है, स्टिक खेला हुआ बच्चा बॉलिंग कर रहा है ना, अंडर 14 खेला हुआ बच्चा और अच्छी बॉल कर रहा है ये। यहां से दिखाओ क्या, यहाँ के थोड़ा और जगह मिलेगा दिखाने का, थोड़ा इधर आ जाओ। तो देखिए जैसा बताया जाता है और जैसा हमने सुना भी है, ऋषिकेश लगाता है और बैटिंग में बहुत बताया इसने कि इंप्रूवमेंट हुई है जब से ये रांची गया है। रांची में ट्रेनिंग होती है, मैंने आपको बताया ग्वालियर जाने वाली है टीम झारखंड की, फिर एक नेशनल T20 कप राजस्थान के उदयपुर में होनी है और आपने देखा है कि किस तरीके से आगे निकलकर खेलने की जो कोशिश थी ऋषिकेश की, ये आप देख रहे हैं और आप देखकर समझ सकते हैं ऋषिकेश की बल्लेबाजी कैसी है, जो दिव्यांग क्रिकेट के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है और नॉर्मल लोगों के साथ ये क्रिकेट खेलते हैं। ये देखिए आप पंच देखकर आप समझ सकते हैं कि हाथों में बहुत जबरदस्त पावर है और स्ट्रेंथ काफी अच्छा मिलता है ऋषिकेश को बल्लेबाजी करते हुए। आप देख रहे हैं टाटी झरिया का एक ग्राउंड है, जहां पर गोपाल जी जो कोचिंग यहां पर देते हैं वो भी काबिले तारीफ है। कहां है गोपाल जी, आइए। और ये देखिए जबरदस्त बल्लेबाजी और जो बताया जा रहा था, जो बच्चा ये कह रहा था कि बेन स्टोक आइडल है, तो सही में बेन स्टोक जो विस्फोटक ऑलराउंडर है वर्ल्ड क्रिकेट के, उसी के पदचिन्हों पर ये चलता हुआ लड़का नजर आ रहा है और एक पैर से आप देख रहे हैं किस तरीके का शॉट निकाल रहा है भैया, बड़ा जबरदस्त मार रहा है। मारता ही है ये हिटर में ही आता है। हिटिंग में ही आता है। तो कैसे रोका जाएगा इसको, फिर कैसे रोकेंगे ओपोनेंट, कैसे रोकेंगे इसको, इसको रोक ही नहीं सकता है, नहीं रोक सकता है। नहीं रोक सकता, जब ये सेट हो जाता है ना, शुरू में टाइम लेता है बट जब सेट हो जाता है बहुत अच्छा खेलता है, क्लास भी खेलता है। यही तो है ना खासियत की अच्छे बल्लेबाज की, सेट होने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। तो ये चीजें सीख गया इतना कम उम्र में? सब सीख गया, सेट होना है हमको। होना है इसको, सब कुछ हम लोग शुरू से। जबरदस्त जबरदस्त भाई ऋषिकेश, शानदार शॉट। ये देखिए भैया स्ट्रेट शॉट खेल रहा है, जिसको बोला जाता है कि जो सबसे सेफेस्ट होता है विकेट के पीछे, यानी कि गेंदबाज के सर के ऊपर से। दिखाने में भी बहुत मजा आ रहा है और वाकई में जो हमने 1.5 साल पहले जो कवरेज किया था, उस कवरेज के बाद उसका नतीजा दिखता हुआ जो दिख रहा है वो बड़ा सुकून देता है। सुकून दे रहा है, बहुत दे रहा है सुकून। देखिए ना अभी यहाँ हमारे देख रहे हैं ना, मतलब स्पिन स्पिन को तो समझ ही नहीं रहा है क्या। स्पिन को मतलब की बहुत अच्छा बेहतरीन खेलता है, स्पिन बहुत अच्छा और स्पेस भी बहुत अच्छा खेलता है, पेस में अच्छा से रोक के डिफेंस करके खेलता है। कहाँ पर दिक्कत होता है इसको? आई थिंक कहीं नहीं होता है इसको, अंदर अंदर जो बॉल आता है उसको दिक्कत करता है, अंदर वाला दिक्कत करता है, अंदर में दिक्कत हो थोड़ा, मतलब वही फिर वो फिर फुट मूवमेंट वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा हो जाता है इसके साथ। अच्छा कभी लगा कि पैर एक नहीं होने की वजह से कहीं कमजोरी है, ये थोड़ा सा उसको अफसोस करता हो, कभी लगा इसको?
ये पहले सोचता था, पहले सोचता था, बहुत सोचता था, लेकिन जब से हम इसको मेरे पास आया था, हम इसको मोटिवेट किए तो थोड़ा ये उस हिसाब से अब देखने नहीं लगा अपने आप को कि हम ऐसे हैं। हम इसको कॉमन मेरे जितने प्लेयर लोग हैं उन लोग साथ खिलाना इसको स्टार्ट किए कि ताकि तुम अपने आप को अलग ना समझे, इस तरह करके हम इसको खिलाए। कैसे मदद किया जा सकता है गोपाल जी इस बच्चे का, क्योंकि आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, पिताजी अगरबत्ती बेचने का काम करते हैं। स्थिति इसका बहुत बहुत गंभीर है, मतलब क्या बोले, बहुत सारा बच्चा डिफिकल्ट तरीके से खेल के मतलब हम लोग पास आया और खिलाए इसको हम कि चलो तुम, इसके पापा जो है उतना अच्छे अभी स्टेबल नहीं है, प्लस में कुछ काम उतना नहीं कर पाते हैं, मतलब जो करते हैं फैमिली को मैं ही चले जाता करने के लिए लोगों से गुहार किया जा सकता है। गुहार बहुत जरूरी, गुहार करना ही पड़ेगा, मतलब लोग मदद करें इसकी, इसकी मदद करें बच्चे मतलब पेटीएम नंबर डाला जा सकता है, मदद करें। हाँ। आगे क्रिकेट ये खेलता रहे, कम से कम पैसे की वजह से क्रिकेट इसका बंद ना हो, नहीं इसके बंद ना हो, और प्लस में इसको कुछ आर्थिक मदद होने से क्या होगा कि अपना जितना क्रिकेट सामान और जो ये इसको घटता है सब ये फुलफिल कर पाए, मतलब अच्छा बैट ले सके, किट आ सके इसके पास, अच्छे से अच्छे बैट ग्लव पैड ये सब लेके अपना अच्छा खेल सके आगे चल के, और बेहतरीन खेले अपने आप और परफॉर्मेंस को एनहांस करे। कितना घंटा प्रैक्टिस करता है, कभी मना किया प्रैक्टिस के लिए कि भाई आप कभी नहीं मना किया भैया, मतलब ये मना किया कि कभी ये भी नहीं मना किया हमको, बस जब भी खेला है जब भी आया तब इसको हम बोले खेलो भाई तुम खेलो तुम्हारे लिए छूट है, और मेरे सब प्लेयर लोग जितने सब यहाँ जितने भी आते हैं बेहतरीन तरीके से खेलते हैं। गोपाल जी आप गाँव में चलाते हैं, गाँव के लोग भी क्रिकेट खेल सके आगे बढ़ सके, उसके लिए आप भी अपील कर दिए भैया, आपको भी तो मदद चाहिए होगा ना। हाँ चाहिए, क्योंकि हर जड़ मेरे से जुड़े बच्चे लोग और बेहतरीन निकले, हम और चाहते हैं हम इन लोगों को ट्रेन करके और निकाले हम इन लोगों को, मेरे बच्चे से भी मेरे अभी कैंप से मेरे यहीं से डिस्ट्रिक्ट प्लस स्टेट सब कैंप करके भी बच्चे लोग आए हुए हैं, बहुत सारा बच्चे लोग हैं यहाँ पे। आपका अर्जुन यही है? हाँ मेरा अभी, हाँ अर्जुन यही है, अभी स्टार्टिंग में तो यही निकला है, पहले अभी और बच्चे लोग है जो स्टेट की खेल रहे हैं। अच्छा आप सोचे थे, आपको लगा था इस लेवल तक बच्चा चला जाएगा, इतना जल्दी चला जाएगा? इतना जल्दी नहीं सोचे थे, लेकिन हम सोचे थे कि निकलेगा एक दिन, लेकिन इतना जल्दी निकल गया, बहुत अच्छी बात है ना कि ये नॉर्मल लोगों के साथ क्रिकेट खेलता है। हाँ नॉर्मल लोग, और वहाँ पर कम्पीट करता है और 100% करता है, 100% ऐसा तो नहीं है ना कि मैच विनिंग पारी खेलता है, ऐसा तो नहीं है कि मर्सी कर देता है लोग कि बॉल धीरे फेंक दे रहा हो बॉल आसान दे देता हो, ऐसा तो नहीं होता था, पहले होता था, पहले ये होता था उसके साथ कहता है लग जाएगा इसको तो थोड़ा आराम से फेंकना, मतलब बॉलर का सतेज कर देता था कि वार्निंग दे देता कि तुम आराम से फेंकना, लेकिन अब है कि पेसर फुल पेसर को भी खेल लेता है, ये फुल पेसर को भी खेल लेता है। हाँ मतलब नॉर्मल 115-120 वाला स्पीड तो मिल ही जाता है। हाँ उतना खेलता है। अरे रे 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 रे। कोई बात नहीं ऋषिकेश, तुम्हारा दिन है, मार सकते हो, अभी हमारे बगल से बॉल निकली है और ये लेदर बॉल है, चोट लगने पर अच्छा खासा चोट लगता है, चोट लगा इसको कभी खेलते हुए? हाँ लगा है, चोट लगा है इसको, आंख में लगा हुआ है, आंख में लगा है, चोट लगा है इसको, लगा है इसलिए उसके बाद बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। मतलब आप समझिए अपॉर्चुनिटी है बच्चे के पास, ये राजस्थान जो खेलने जाएगा उदयपुर में, वहाँ जो 24 टीमें अलग अलग स्टेट से आएंगी, वहाँ अगर अच्छा ये खेलता है तो सीधा नेशनल टीम में चला जाएगा, विश्व कप खेलेगा 2024 में, जो नेशनल मैचेस ही नहीं खेलने जा रहा है, सीधे हम भारतीय टीम की बात कर रहे हैं। हाँ वहाँ पे चल जाएगा, जर्सी मिल जाएगा उसको जिसका सपना होता है क्रिकेटर का। हाँ जर्सी भी पहनेगा ये। क्या कहना चाहते हैं, क्या कहेंगे आप मदद हो लोग क्या कर सके सरकार से या कहीं से कोई मेरे पास गांव के लोग क्रिकेट खेल सके? मेरे पास पहले अपना ग्राउंड यहाँ पे हम लोग जो है ना ग्राउंड हम लोग दूसरे के ग्राउंड में यहाँ खेलते हैं हम लोग, तो आए दिन बहुत सारा प्रॉब्लम हम फेस करना पड़ता है ग्राउंड में, तो इसलिए हम सोचते हैं कि हम लोग ये ग्राउंड जो है हम लोग एक अच्छा ग्राउंड मिल जाए तो हम लोग और बच्चे को अच्छे अच्छे निकाल सकते हैं यहाँ से, बहुत टैलेंट है यहाँ इस गाँव के बच्चे में और पूरा इधर जितने भी इलाके हैं सबके बच्चे। बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहा है, बॉल तो बाहर निकाल के फंसा ले रहे हो बैट्समैन को, ये मेरा अच्छा बॉलर भी है, अच्छा बॉलर भी लग रहा है, ये 14 वाला है ना, 14 का बच्चा है ये मेरा, ये बाहर बॉल निकाल दे रहा है और रिसीव कर रहा है बैट्समैन को। हाँ ये मेरा यहाँ का बहुत अच्छा बेहतरीन बॉलर है, प्लेयर ऑफ द मतलब जब भी प्लेयर हम लोग एनुअल डे बनाते हैं ना। चलिए ये तो दिख रहा है कि मतलब इससे बोल रहे हैं ना प्लेयर, ऐसा नहीं है सिर्फ क्रिकेट पर निकाल रहे हो, दिख रहा है वो अच्छा स्पिनर दिख रहा है, इतने कम उम्र में अच्छा बॉल फेंक रहा है, दिख रहा है अभी 14 बच्चा अभी 6 में पढ़ता है, 7 में पढ़ता है अभी, 7 में पढ़ता है। हाँ अभी यहीं से अभी स्टार्ट कर रहा है, मतलब ये हम लोग को शुरू से इसको हम देखे हैं, इसको भी देखे बहुत अच्छा खेलता है, ये नहीं है और ज्यादा अभी प्लेयर्स लोग को आप देखिए, एक एक प्लेयर को आप देखिए एक तगड़ा से तगड़ा बॉल फेंकेगा। चाचा जी उनके देखिए, चाचा जी अब आ गए भतीजे को बॉलिंग करने के लिए, चलिए चाचा जी दिखाइए आपका भी बॉलिंग देख लिया जाए।
अरे अरे भतीजा तो मार रहा चाचा, कैसे होगा? देखिए ये चाचा के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि अपने भतीजों को बॉलिंग कर रहे हैं। हाँ बहुत पुराना दिख रहा है वो, बहुत अच्छा। ये दिख रहा है कि जिस बच्चे के बारे में इतनी सारी बातें हो रही हैं और जो मतलब आप समझिए कि इंडियन टीम में जाने की बात हो रही है जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहा है, और पॉजिटिव होना भी चाहिए लोगों को। चाचा बॉलिंग कर रहे हैं और वो भी फूले नहीं समा रहे होंगे, लोग देख रहे हैं, तालियां बज रही थी। ऋषिकेश की बात हम लगातार कर रहे हैं और लगता है कि बात करते ही जाए उसके बारे में, तस्वीरें उसकी पूरे भारत में। देखिए किस तरीके से फुट मूवमेंट, देखिए एक पैर रहने के बाद भी किस तरीके से बात की। आप लोग भी गांव के हैं, यही के हैं? गजब चल रहा है माहौल, तो लड़का कमाल कर रहा है, पूरा एकदम कमाल कर रहा है। इसको मैं सलाम करता हूँ, सलाम करते हैं, पूरा देश सलाम करता है, सलाम करता है, अभी पूरा देश सलाम करेगा। अरे आगे बढ़े, हम लोग खुशी की बात है। गुलाब जामुन टाटी जीरा का फेमस था, लेमचा यहाँ का बहुत प्रसिद्ध शुद्ध घी में बनता है। अब रिशु ऋषिकेश चौधरी यहाँ से क्रिकेटर खेल के हजारीबाग के साथ साथ झारखंड का मान सम्मान और इंडिया टीम के लिए जरूर एक बार खेलेगा, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। जबरदस्त शॉट ऋषिकेश, महसूस कर रहे हैं कि हम भी उसके चाचा हैं और आप भी चाचा हैं। हाँ, और उनके हम सबसे प्राउड महसूस करते हैं। इसको स्कूल ले जाना, ये करना था, लाते थे बचपन में। अरे आप भी लाते थे? बस कमाल ऋषिकेश, जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे बड़ा हमको दिल से प्राउडफुल महसूस हुआ कि मेरा जो भतीजा है इतना नाम रोशन किया अंडर 19 में, अब ये नेशनल टीम है। और मेरे दिल से शुभकामनाएं हैं कि ये भारतीय टीम में जल्द से जल्द जर्सी पहने। हाँ, यहाँ का टाटे का नाम रोशन, लेमचा से अब ऋषिकेश हो गया। पहले गुलाब जामुन टाटे का फेमस था, उसके बाद यहाँ से ऋषिकेश चौधरी फेमस हो बोला जाएगा, टाटी झरिया वाला ऋषिकेश, टाटी झरिया ऋषिकेश वाला टाटी, ऋषिकेश टाटी झरिया वाले गुलाब जामुन। क्या कहिएगा सर? हम यही कहेंगे कि इस क्षेत्र में एक क्रिकेटर के रूप में जिस तरह ऋषिकेश हैंडीकेप होते हुए अगर किसी परिवार में हैंडीकेप बच्चा हो जाता है तो उस घर के सारे फैमिली को एक चिंता हो जाता है उसकी आवश्यकता के लिए कि उसकी हर कार्य लोग लगने लगता है बोझ है बच्चा, कहीं लेकिन बोझ होता नहीं है, कभी उलाना से लगता है, कोई माता पिता को बोझ कभी नहीं लगता। नहीं नहीं वो नहीं लगता है, लेकिन एक सोचने का उलाना तकलीफ होती है दिल में कि मेरे बच्चा और बच्चों के जैसा नहीं है, नहीं है। इसकी हर जगह आवश्यकता है। किसी क्षेत्र में अगर ये पढ़ाई करता है तो इनके छोटे चाचा हैं वो सुबह रोज साइकिल से उठाकर इनको स्कूल पहुंचाते थे। भाई कौन है इसका, भाई है क्या यहाँ पे? भाई भी है सर। तो कहने का मतलब है कि अस्टार्टी झरिया प्रखंड के हर जगह एक ही चर्चा है कि ऋषिकेश इंडिया टीम में जल्द से जल्द सिलेक्शन हो, लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनके परिवार करीब आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। आपके माध्यम से आप लोग चाहेंगे तो इसको आसमान में भी ले जाएंगे। सहयोग के रूप में इसको चाहिए कि इसको अच्छा कोचिंग होना चाहिए, जिसके लिए हर तरह से लोग को आगे आना होगा, तब इसका भविष्य और उज्जवल होगा। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। भाई हो तुम, क्या क्या लगता है ऋषि को उसको देख के, क्या लग रहा है? साथ में तो रहते ही हो। हाँ। ऐसा क्रिकेट खेल रहा है, बहुत खुशी हो रहा है। क्रिकेट नहीं, हम अभी पढ़ाई करते हैं। हाँ। और मेरा सपना है कि हम आर्मी में जाए। आर्मी में जाओ, कैसा खेलता तेरा भाई? बहुत अच्छा खेलता है, बहुत बहुत प्राउड महसूस होता है भाई को देख करके। प्राउड मोमेंट है। हाँ, और भाई ऐसा ही खेल ले और इंडिया टीम में जाए। अच्छा, उसी का भाई है? अरे हीरो बताओ, तेरा भैया क्या कर रहा है? क्रिकेट। कैसा खेलता है तेरा भाई क्रिकेट? अच्छा, जबरदस्त वाला ना। तुमको भी खेलना है? चलिए छोड़, बैट्समैन बनना है बोला। चलिए हम ऋषिकेश से अंत में बात करेंगे। ऋषिकेश शानदार, जबरदस्त, और आप कह सकते हैं कि जिंदाबाद, शाबाश ऋषिकेश, बहुत बढ़िया, एकदम बेन स्टोक्स टाइप का खेल रहे हो। कहाँ दिक्कत होता है, कौन शॉट खेलने में दिक्कत होता है? दिक्कत तो सर अभी फिलहाल कोई बॉल में नहीं हुआ, जहाँ देखे आप। हाँ, हम तो देख रहे हैं। कौन सा फेवरेट शॉट है तेरा? सीधा सर डाउन, सीधा मतलब तो हम देख रहे हैं, विकेट के पीछे खूब मार रहे थे तुम। हाँ, बॉलर के ऊपर से मारना मजा आता है। हाँ सर, बॉलर उसमें बहुत टीच भी होता है कि यार ऐसा मार रहा है, गुस्सा भी आता बॉलर। तुम भी बॉलर हो तो तुमको समझ में आता होगा सर, स्लेजिंग होना चाहिए। तो विराट कोहली पसंद है मतलब? जी सर बिल्कुल, विराट कोहली का एटीट्यूड पसंद। क्या कहना चाहोगे लोगों से जो क्रिकेट खेलते हुए तुमको देखते हैं? इतना हिम्मत हौसला कहाँ से लाते हो? बहुत लोग के लिए प्रेरणा हो तुम, लोग देखेंगे, लोग वाहवाही करेंगे, भैया ये हिम्मत कहाँ से लाया? ऋषिकेश माता पिता को देखकर भी लगता है कि उनके लिए भी कुछ करना था? जी सर,
अब बात है कि सर मतलब ये लोगों को दिखाना भी कि बहुत कोई सर मैं वीडियोस में भी देखता हूँ कि बहुत क्रिकेटर ऐसे एक दो मैच खराब हो गए या कुछ खराब हो गया तो मतलब हार मान लेते हैं, बोलते हैं कि यार नहीं नहीं हो पाएगा, डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाएगा, बोर्ड नहीं हो पाएगा। तो मतलब गेम में कंसिस्टेंसी मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, क्लियर रहना पड़ेगा। चलो आगे चलेंगे बात करते करते। ये एक पैर ना होने का कभी मलाल था तुमको जिंदगी में, कभी लगा कि तुम कमजोर पड़ते हो उसकी वजह से? नहीं सर, कभी ऐसा नहीं लगा। तुमको ताकत बना लिया जी सर। हाँ, रांची में कितना प्रैक्टिस करते हो? बहुत सर, मतलब सुबह 8 बजे से 12-1 बजे तक प्रैक्टिस करते हैं। इतना मेहनत करते हो, 3,000 रुपए में कैसे घर चला रहे थे आप? दिक्कत होता है? दिक्कत होता है सर, बहुत बार ऐसा भी होता है कि मतलब एक बार इसी केस के लिए ताली बजा दी है तमाम लोग। हाँ मतलब सर जैसे मेस के लिए मतलब कभी मेस में जैसे पापा 1-2 महीना अगर पैसा नहीं भी भेजते हैं, जैसे कोई मंथ 2,000 भेजते हैं तो मतलब रात में मैगी भी कभी कभी खा लेते हैं। मैगी खा कर रहना पड़ता था? हाँ सर। लेकिन अंदर में जुनून था क्रिकेट का? जी सर। कि वही खेलते रहना? जी सर। ताली जोर से बजाइए, आवाज नहीं आ रहा है। अब ताटी जरिए अगर इसी केस नॉर्मल नहीं रहा अब अच्छा लगता है? हाँ सर, बहुत अच्छा लगता है। प्राउड मोमेंट है तुम्हारे लिए? हाँ सर। पिताजी भी ताली बजा रहे तुम्हारे, बहुत खुशी है। ये कैसा लगता है कि पिता बेटे के लिए ताली बजा रहे हैं? बहुत सर, बहुत मतलब आगे मेहनत करना है बहुत। हाँ सर, बहुत मेहनत करना, जम कर मेहनत करना है, इंडियन टीम के लिए खेलना है। हाँ सर, यही सपना है क्रिकेट में सर। क्रिकेट मतलब इंडिया में सिर्फ गेम नहीं है सर, पैशन है। रुकना नहीं है? नहीं सर, रुकना नहीं है, थकना नहीं है? नहीं सर, कभी नहीं। चलिए वीडियो का समापन करेंगे और तमाम लोगों से अनुरोध करेंगे जो इस वीडियो को देखेंगे शेयर करिए, ऋषिकेश के लिए एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और हम अभी पेटीएम नंबर जो भी नंबर होगा इनके घर का हम डालेंगे। और जो मदद करना चाहेंगे इस बच्चे के लिए, पिछली वीडियो में बहुत लोगों ने कहा था मदद करने के लिए लेकिन ऋषिकेश ने मना किया था कि भैया मदद नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि उसको मदद की जरूरत है फिलहाल अभी, क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। क्रिकेट इसका बंद ना हो, क्रिकेट ये खेलता रहे। और इसको मर्सी की जरूरत नहीं है, आपने क्रिकेट खेलते हुए देखा है कोई नॉर्मल बॉल या नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रही थी, फुल एफर्ट से क्रिकेट खेला जाता है। फुल एफर्ट से खेला जाता है यहाँ पे क्रिकेट। कोई साथी इनके बोलना चाहते हैं इसके लिए, कोई फ्रेंड इसके जो यहाँ क्रिकेट खेलना है, कोई बोलना चाहते हो? और बात जो दिल में बोलो, हम कोई सवाल नहीं पूछेंगे तुमसे। सर ऋषिकेश भैया, हमको मतलब जब से यहाँ आए तब हम मतलब पहले हम कोई लोग आते यहाँ आते देखे थे, जब घर से हम आ रहे थे तो भैया लोग को आते देखे थे, तो हमको भी क्रिकेट खेलने का जोश हुआ तो फिर हम खेले यहाँ, देखे गोपाल भैया से बात किए तो फिर ऋषि भैया यहाँ थे तो हमको बताते थे हमेशा कि ये बॉल ऐसे डालो ऐसे डालो। कैसा क्रिकेट खेलते हैं ऋषि? बहुत अच्छा खेलते हैं सर, मैं इनका फैन है ना। यस सर, तो इंडियन टीम के लिए भी खेल सकते हैं? यस सर, खेल सकते हैं, खेल सकते हैं। यस सर, और बहुत उम्मीद है जिस तरीके से क्रिकेट खेल रहे हैं। यस सर, पूरा उम्मीद है। देखिए यहाँ तमाम लोग है, देखिए हम सबके लिए, ऐसा नहीं है कि किसी खास लोगों के लिए है, जिसको जो दिल कर रहा है बात करने का बात कर सकते हैं। क्योंकि ऋषिकेश के लिए कोई हमको कहीं से फोन नहीं आया था, ऋषिकेश को पता है कहीं से फोन नहीं आया था, आप दिखे थे और हमने वो वीडियो किया था। क्या कहना चाहते हैं? ये भैया बहुत अच्छे से बहुत अच्छा खेलते हैं और हमेशा ये तो हर टूर्नामेंट में जीतते ही रहते हैं। इनका बात करने का व्यवहार वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे हैं ये। हम तो बोलना चाहेंगे कि यहाँ पे आज ही क्रिकेट अकेडमी जो भैया हम लोग इतना अच्छा सिखाते हैं यहाँ पे, जैसे भैया यहाँ उतना ऊपर पहुँचे हैं। आप आइए पिताजी, आप पीछे से सुन रहे हैं, आप आगे आइए। देखिए पिताजी का रोल हमेशा इसी तरीके का होता है, वो हमेशा पीछे से देखते हैं बच्चे को। हम लोग भी वहाँ तक पहुँचे, हम लोग का भी यही सपना है, भैया इतना जा सकते ऊपर में तो हम लोग भी जा सकते हैं। जैसे कि अभी हम लोग भी डिस्ट्रिक्ट खेले, भैया हम लोग डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचाया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, तो हम लोग को भी स्टेट खेलना है और भैया जैसे इंडिया के लिए खेलना है, इंडिया के लिए पूरा मतलब खेलना। पिताजी साथ में है बेटा, मतलब यकीन मानिए ताली तो यहाँ बज रही है, सुनाई बहुत दूर तक दे रही है और ये आगे भी बहुत कुछ करेगा। क्या कहना चाहते हैं? हमको देखिए सर, ये हमको अच्छा लगा और यहाँ का जितना लोग खेला देखा इसको खेला, बहुत मन खुशी हुआ सबको कि ऐसा बहुत अच्छा बैटिंग भी कर रहा है और खेला भी अच्छा खेल रहा है इसका, ये चलते ये कितनों दूर तक भी जाएगा तो सबका नाम छूते रहेगा। पहला बार देखे हैं? पहली बार देखे हैं, इनके पेरेंट्स पहली बार आए, पहले बार हम आए हैं इसका खेला देखने के लिए। सब बोलते थे, सब पेरेंट्स लोगों को बुलाते हैं, गदगद हो गया ना मन, बहुत खुशी है और पूरा देश वाला भी इसके पीछे खुशी रहे। देखिएगा बहुत लोग जो देखेगा ना वो वाहवाही करेगा,
एक बार जोर से ताली बजाइए, जो पूरे उत्साह के साथ ऋषिकेश के लिए ताली बजाइए, और ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आप जो कुछ करना चाहते हैं वो तमाम चीजें करिए। ऋषिकेश हजारीबाग की नहीं, झारखंड की जान होने वाला है, और आप यकीन मानिए भारत में भी ये पहचान बनाएगा। ऋषिकेश आप देख रहे हैं, एक पैर का वो बच्चा, दिव्यांग बच्चा, जो किसी का मोहताज नहीं है, मेहनत, जिद, और उसको यकीन था कि हम आगे बढ़ेंगे। और 1.5 साल पहले इससे मुलाकात हमारी हुई थी, दूसरी वीडियो कर रहे हैं, और ये कर मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट है, और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। जब जहां मौका मुझे मिलेगा मैं ऐसे ही वीडियो करूंगा, और इसी केस जैसे बच्चे के लिए मदद करने के लिए सबसे पहले सबसे आगे आऊंगा। क्या कहोगे? तालियां बजाइए बच्चे के लिए। बहुत सर, बहुत खुशनसीब हूँ सर, और ये मौका मिला मतलब स्टेट को रिप्रेजेंट करने का सर, वहाँ जाकर नेशनल एंथम करेंगे सर, देश के लिए मतलब एक गर्व का मोमेंट होगा। और सर मतलब गांव वाले भी बहुत कुछ सपोर्ट किए स्टार्टिंग से ही, तो बस सर सबको ले देके चलना है। आप चेंज करिए, तालियां बजती रहनी चाहिए ऋषिकेश के लिए। आप चेंज करिए ऋषिकेश, जाइए, तालियां बजती रहिए, तालियां बजाते रहिए ऋषिकेश के लिए, तालियां बजाते रहे ऋषिकेश के लिए। आप देखिए किस तरीके से ऋषिकेश आपको नजर आ रहे हैं, ये वही शानदार बच्चा है। तालियां बजाते रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए उस बच्चे के लिए। आप समझिए इसको मदद की जरूरत है, और यही बच्चा जो कमाल कर रहा है उसकी हम वीडियो कर रहे हैं। शानदार तस्वीरें आप तक पहुंच रही है, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे थे। ऋषिकेश जो आपको नजर आ रहा था, तमाम लोग जो तालियां बजा रहे थे और दिल से तालियां बजा रहे थे, इसलिए बजा रहे हैं कि यही का बच्चा है, और यकीन मानिए पूरा भारत इसके लिए एक दिन ताली बजाएगा जिस तरीके से ये क्रिकेट खेलता है। ये ऋषिकेश है, ऋषिकेश चौधरी नाम है ना पूरा, ऋषिकेश चौधरी, टाटी झरिया का वो बच्चा जो शानदार खेल दिखाता है एक पैर से, जो जुनून है, हिम्मत है, पूरे देश को दिखाता है, और वही जुनून शायद आप में भी वो जुनून पैदा कर दे, आप में भी वो उत्साह भर दे। अगर आप सोए हुए हैं तो हो सकता है कि आप जाग जाएंगे, अगर आप थके हैं तो आप चलने लगिएगा, क्योंकि ऋषिकेश का जब भी आपका चेहरा दिखेगा, जब भी आपको चेहरा दिखेगा, आप यकीन मानिए आप उत्साह से भर जाएंगे। ये लड़का ही ऐसा है। बाकी मैं कुणाल सिंह, अब जाइए फील्ड में, जाइए जाइए, देखिए ऋषिकेश को एक पैर से किस तरीके से क्रिकेट खेलता है। तालियां बजनी चाहिए, लगातार बजनी चाहिए, और एक बार दिखा दिए अंत में वो तस्वीरें जो पूरे भारत में जाएगी, और हमने लाइव इसलिए दिखाया ताकि आप समझ जाइए कि किस तरीके से बच्चा क्रिकेट खेलता है। मैं कुणाल सिंह लगातार आपको इसी तरीके से तस्वीरें दिखाता रहूंगा। ये टाटी झरिया था जहां पर तमाम लोग मौजूद थे, खिलाड़ी थे। और शानदार तस्वीरें, मदद करने के लिए आगे आइएगा, इस क्लब के लिए भी, यहाँ के कोच के लिए भी, वो भी बधाई के पात्र है, ऋषिकेश के लिए भी, फिर से क्रिकेट यहाँ पर शुरू हो गया है। मैं कुणाल सिंह जो तस्वीरें दिखा रहा था, मुझे भी बहुत खुशी हो रही थी, मेरे लिए भी प्राउड मोमेंट था, क्योंकि मैंने वो तस्वीरें 1.5 साल पहले दिखाई थी, उसके बाद चीजें बहुत तेजी से बदल गई, क्योंकि लड़के ने हार नहीं मानी थी। सारी कहानी इसी की है, सारी जिद इसी की है, इसी की वजह से सारी चीजें पूरी हो रही है। मैं सिर्फ एक माध्यम बना था, एक जरिया बना था, बाकी काबिले तारीफ है ऋषिकेश। एक बार बॉल दिखा दो तुम अपना, ये देखिए वही है जो बॉलिंग भी करता है, बैटिंग भी करता है, और बैटिंग बहुत अच्छी करता है, बॉलिंग भी करता है, बेन स्ट्रोक इसके आडल है। पता नहीं मैं कितना बोले जा रहा हूँ, लगातार बोले जा रहा हूँ, लगातार तालियां भी बजवा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं एक ऐसे बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ जिसके बारे में शायद किसी ने बात नहीं की थी। ये लगातार क्रिकेट खेल रहा था लेकिन किसी ने इसके बारे में बात नहीं की थी। मुझे मौका मिला, मुझे जो समझ में आया मैंने दिखाया, लोगों को बहुत पसंद आया, और लड़के में इतना उत्साह भर गया कि ये क्रिकेट खेलना मतलब आप कैसे, इसने बंद नहीं किया, हिम्मत नहीं हारी, और आज ये तस्वीर है कि आज ये लड़का झारखंड की टीम में है और बहुत जल्द भारतीय टीम में भी दिखेगा। मिलेंगे फिर।